तो चलो शुरुआत करते हैं ऊंचाई और क्या चीज का दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। प्रश्न लिखो, प्रश्न लिखो। किसी मीनार के पाद से चालीस मीटर दूर क्षैतिज तल पर स्थित किसी बिंदु से मीनार के शिखर के मीनार के शिखर बिंदु अस्सी मीटर है, उस मीनार से शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। देखो क्या बोल रहा है, सपोज मान लो कि ये तुम्हारे पास मीनार है, समझ में आ रहा है ये, इसमें तुम्हें फिगर ही बनाना होता है। तो मान लो मैं इसे तुम्हारा चौड़ा बना रहा हूँ, ये तुम्हारा क्या हो गया है, मीनार है। तो मीनार से कह रहा है कि मीनार का एक पाद बिंदु से किसी निश्चित बिंदु, क्या मान लो से पाद बिंदु मान लो इसका भी, कह रहा है कि इसके बीच का दूरी कितना है 40 मीटर है। अब कह रहा है कि इसका शिखर का जो अन्य बिंदु है इससे और मीनार के शिखर से इसका जो लंबाई ये दिया है ये 80 मीटर दे दिया है। कितना दे दिया है, 80 मीटर दे दिया। तब पूछ रहा है कि ये सी से जो कितना होगा, हेलो समझो ना, तो मतलब पाद बिंदु और शिखर जो रेखा है इसके मध्य बनने वाला कोण। तो सबसे आसान है, ये एच मान लो, तो मान लेना कि माना ए बी एक क्या है, मीनार है जिसकी ऊंचाई एच मीटर है, हो गया। तथा बीसी मीनार का आधार बिंदु है, ऐसे लिख देंगे हम लोग, ठीक। वाना त्रिभुज ए बी और सी में, ये देखो आधार हो गया आपका, ये आपका कर्ण हो गया, आधार कर्ण हो गया ना। आधार और कर्ण में किसी का संबंध होता है कॉस थीटा, डायरेक्ट लगाओ उस तरह कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर तुम्हारा हो जाएगा आधार बेस और कितना हो जाएगा एसी हाइपोटेनस। तो कॉस थीटा बराबर तुम्हारा हो जाएगा 40 बटा में कितना हो जाएगा 80, तो 40 गुना कितना हो जाएगा 80, तो कॉस थीटा बराबर 1 बटा कितना हो जाएगा 2, तो कॉस थीटा बराबर तुम्हारा हो जाएगा कितना 60 डिग्री होगा कि नहीं, सॉरी ऐसे लिख दो कॉस
60 डिग्री कॉस से कर रहा हूँ, थीटा बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री, तो यही तुम्हारा क्या हो गया आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा देखो इसमें यही पूछ देता मीनार की ऊंचाई बताइए, अलग से मान लो मीनार की ऊंचाई पूछ देता तो मीनार की ऊंचाई कितना मान ली h। तो देखो पहले तुम कोण निकालो, इसका एंगल निकालो, यहाँ से एंगल निकल गया ना, तो जब एंगल निकल गया तो तीन हो गए, एक दो और तीन, क्या हो जाएगा लंब बटा में आधार, तो इसको निकालना होगा। तो ए बी सी में आप लिखोगे टैन कितना लिखोगे 60 डिग्री, तो ये तुम्हारा हो जाएगा ए बी बटा में कितना हो जाएगा बी सी, इसे हल कर दोगे तो अंडर रूट तीन, ए बी आपका एच दे दिया है, बी सी आपका 40, यहाँ से अंडर एक कर दो यहाँ गुणा कर दो तो हो जाएगा 40 अंडर रूट कितना 3 मीटर हो जाएगा। यदि यहाँ तक भी ठीक है, नहीं तो अंडर रूट 3 का मान 1.732 रख के मल्टीप्लाई करो भी आ जाएगा। ठीक है ना, तो प्रश्न पर डिपेंड करता है क्या क्या पूछ रहा है। अगला प्रश्न है तुम्हारा, एक पतंग है, एक पतंग 40 मीटर लंबी डोरी से बंधी पतंग उड़ रही है, 40 मीटर लंबी डोरी से बंधी पतंग उड़ रही है, यदि पतंग की डोरी 36 से 30 अंक का कोण बनाती है तो ऊर्ध्वाधर ऊंचाई बताई। ये कह रहा पतंग तो उड़ाए हो सभी लोग है जी, अब जो भी इस तरह में बना देना हूं। मान लो ये पतंग है, तो पतंग ऐसे ही नहीं उड़ाते हो, तो मान लो तुम यहां बैठे हो, यहां पर बिंदु सी पर बैठे हो, तो ये पतंग का डोरी यहां तक गया, ये बोल रहा है कितने मीटर का है 40 मीटर का, तो ये बिंदु ए पर पतंग उड़ा रहे हो, ये पूछ रहा है इसका ऊर्ध्वाधर ऊंचाई बताइए, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा बी, और ये कितने का कोण बना रहा है 30 डिग्री का, तो आप लिखोगे तो लिखना कि माना पतंग पदमाना पतंग ए है, ए है ये पर है तो ए है, जिससे कि डोरी की लंबाई ए सी बराबर कितना है 40 मीटर है, यहां से लिखना माना पतंग पतंग की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई ए बी बराबर एच मीटर है, बराबर एच मीटर है, इतना लिख देना। और लिखने के बाद आ जाओ त्रिभुज लिखो ए बी सी में, अब देखो तुम्हें कोण भी दे दिया और ये पूछ रहा है, तीन हो गया ना 1 2 3 तीन हो गया ना, तो देखो इसमें और इसमें संबंध बताओ, लंब बटा में कर्ण किसका संबंध है साइन का, आगे समझ में ना, तो तुम डायरेक्ट यहाँ लिख दो साइन कितना हो जाएगा 30 डिग्री, तो ये तुम्हारा हो जाएगा ए बी बटा में कितना हो जाएगा ए सी, तो यहाँ साइन 30 डिग्री बराबर तुम्हारा ए बी, एच और ए सी कितना है 40 डिग्री, यहाँ से हल कर दोगे तो 1/2 आई हो जाएगा एच बटा में कितना 40, इसे और हल कर दोगे तो 2 × कितना हो जाएगा एच बराबर 40 ना, तो एच बराबर हो जाएगा 40/2, एच बराबर कितना हो जाएगा 20 मीटर हो जाएगा, तो पतंग ऊर्ध्वाधर की ऊंचाई कितना हो जा रहा है 20 मीटर हो जा रहा। ठीक है कर लो बस, लिखो एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण
मीनार के आधार से मीनार के आधार से क्षैतिज तल पर चालीस मीटर की दूरी पर स्थित है। चालीस मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से देखने पर 45 डिग्री का कोण देखने पर 45 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऊंचाई दूरी में देखो फिगर बना लो। पहले कह रहा है कि एक मीनार है, चलो मैं भी थोड़ा सा बना दूं मीनार। मान लो ये तुम्हारा मीनार हो गया, ना मीनार। आप मीनार में देखो पी क्यू इस वाला को पी क्यू, तो कह रहा है कि मीनार के आधार से एक बिंदु को तुम रख रहे हो, देख रहे हो ये बिंदु आर यहाँ स्थित है जो कितने पर है, 40 मीटर की दूरी पर है। तो वो कह रहा है कि इससे इस बिंदु से और मीनार का शिखर का जो देख रहे हो मीनार का शिखर को देख रहे हो तो कितने डिग्री कोण बना है, 45 डिग्री। तो बोल रहा है मीनार की ऊंचाई बताइए, समझो ना। तो आप लिखोगे कि माना पी क्यू बराबर एच एक मीनार है, ऐसे भी लिख सकते हो मीनार है तथा मीनार के आधार की लंबाई है जो बिंदु आर से शिखर को देखने पर 45 डिग्री का बनाते हैं। अतः त्रिभुज पी क्यू क्या लिखोगे आर में, यहाँ से लिखोगे तो क्यू आर बराबर तुम्हारा दिया है कितना 40 मीटर, पी क्यू तुम्हारा दिया है एच मीटर, थीटा बराबर 45 डिग्री। थीटा नहीं दिया है तो कोण आर लिख देता हूँ, कोण आर ही लिख दो, कोई दिक्कत ही ना है। तो यहाँ पर लिखोगे तो इस बार टैन आर लिख देना, थीटा मत लिखना डायरेक्ट, मैं जब आर लिख दो लिखा हूँ तो आर लिख देना, आर का मान दो है ना, ये थीटा रख देना। हर बात समझते चलो, लंब बटा में आधार, ये तुम्हारा हो जाएगा पी क्यू बटा में कितना हो जाएगा आर क्यू आर ना। यहाँ से और हल करोगे आप, यहाँ से हल कर दोगे तो कितना हो जाएगा टेन आर पी क्यू बराबर एच, और ये हो जाएगा तुम्हारा 40। तो आर का मान दिया है कितना 45, टेन 45 का मान एक होता है, एच बटा में कितना हो जाएगा 40, इसे हल कर देना तो एच बराबर कितना हो जाएगा 40 मीटर। ठीक है, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, आंसर आपका यही हो गया। ठीक है, कर लीजिए, धीरे धीरे बढ़ रहे हम लोग सवाल। चलिए लिखिए अगला प्रश्न, 2015 का प्रश्न ये, बोलो
देखो भूमि पर स्थित, भूमि पर स्थित एक निश्चित बिंदु से, भूमि पर स्थित एक निश्चित बिंदु से निश्चित बिंदु से एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। एक मीनार के चोटी का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। मीनार के पाद की ओर चालीस मीटर चलने पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। चिन्हित बिंदु की मीनार के पाद बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। सवाल को पढ़ते जाओगे बनाते जाओगे। देखो अगला क्या बोलना, ये बोलना है कि आपके पास एक मीनार है भैया, ये आपके पास मीनार है, ठीक है ना। ये मीनार मान लो तुम्हारे पास क्या है, ए भी है। कह रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से किस बिंदु को दिया है यहाँ तक, ये बिंदु तुम्हारा क्या है सी कर लो। ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 45 डिग्री का। ये बोल रहा है कि तुम सी बिंदु से यहाँ से 40 मीटर चल रहे हो, कितना चल रहे हो 40 मीटर। चलने के बाद मान लो बिंदु तुम डी पर आ गए, ये तुम बना दिए कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। तो वो पूछ रहा है कि चिन्हित बिंदु से पाद की दूरी ज्ञात कीजिए यहाँ से यहाँ, ये बताओ ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एक्स प्लस कितना हो जाएगा 40 मीटर होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा, पूरा दूरी होगा कि नहीं होगा। और इसमें ये तुम्हारा हो जाएगा मीनार की ऊंचाई एच मीटर। देखो इसमें दो अनुरोध दे दिया, लेकिन तुम्हें पता है जो आंसर चाहिए उसको आप बाएं दाएं साइड में लिखना, जिससे नहीं तो उसको दाएं बाएं साइड में लिखा रख कर उसको मार निकाल दो। तो किसी से तुम लगा लो, छोटे वाले से लगाओ पहले, अरे उसमें छोटे वाले से पहले लिखोगे कि माना ए बी बराबर, ए बी एक मीनार है ऐसे लिखते हैं, ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई एच मीटर है, ठीक है। तथा बिंदु सी से मीनार
बिना केसिकल का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, जो 40 मीटर चलने के पश्चात 40 मीटर चलने के पश्चात बिंदु डी पर 60 डिग्री कोण अंतरित करता है। माना डीबी बराबर एक्स मीटर है, डीबी बराबर एक्स मीटर है। कितना बना कर लिख लेना तुम लोग, अपने से लिख लेना है, ठीक है। तो चलो रिलेशनशिप बनाओ, तो ले लो छोटा वाला, बोले तो त्रिभुज ले लो कौन सा, ए बी डी में आप लिखोगे टैन, लिखोगे 60 डिग्री लिखोगे ना, लंब बटा में आधार, तो एच बटा में सॉरी ए बी बटा में क्या हो जाएगा बी डी की डी बी। अब इसको मान लोगे तो अंडर रूट 3 हो जाएगा, एच बटा में कितना हो जाएगा एक्स। तो तुम्हें एच का मान ही नहीं पूछ रहा, और मीनार की ऊंचाई नहीं पूछा, तो तुम एच का मान निकाल कर छोड़ दो, ये गुणा कर दोगे तो अंडर रूट 3 इंटू कितना हो जाएगा एक्स बराबर एच हो जाएगा। यहाँ से एच बराबर हो जाएगा अंडर रूट 3 इंटू एक्स। समीकरण नंबर क्या कर दोगे, एक कर दोगे, ठीक है। अब पूना ले लो, पूना त्रिभुज ए बी सी में इस बार लिखोगे टैन कितना लिखोगे 45 डिग्री, तो लंब बटा में आधार आने की ए बी बराबर कितना हो जाएगा बी सी। तो आप इसे लिखोगे टैन 45 डिग्री बराबर ए बी, और बी सी को दो पार्ट में लिखा गया था, इसको लिख दो बी सी को कि डी सी प्लस क्या हो जाएगा डी बी हो जाएगा, बस सी डी प्लस बी डी हो जाएगा, बोलो होगा कि नहीं होगा। तो टैन 45 का मान कितना होता है, ए बी कितना है, ए बी आपका है एच ना, और डी सी कितना है 40, ए प्लस का हो जाएगा यस। यहाँ से तिरिया गुणा कर दो तो 40 प्लस एक्स बराबर कितना हो जाएगा यस। समीकरण नंबर 2, तुम्हें यच का नहीं तुम्हें एक्स का मान चाहिए, तो इसमें लिख दो कि समीकरण नंबर दो में यच का मान रखने पर यच का मान रखने पर तो जब यच का मान रखने जाओगे इसमें तो यच बराबर ये नहीं निकाले हो, तो ये हो जाएगा 40 प्लस एक्स बराबर अंडर रूट 3 इंटू एक्स। तुम्हें परमेयकरण में बहुत अच्छे से पढ़ाया, देखो यहाँ लगेगा ऐसे कर दोगे तो ये हो जाएगा, तुम थोड़ा सा सजा कर दो, एक्स कॉमन ले लोगे तो अंडर रूट 3 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 40, तो एक्स बराबर हो जाएगा 40 बटा में अंडर रूट 3 माइनस 1 हो गया ना। परमेयकरण तुम्हें बड़ा आधी सर में पढ़ाया हूँ, अंडर रूट 3 प्लस 1 फिर अंडर रूट 3 प्लस का 1 हो जाएगा, तो एक्स बराबर तुम्हारा आ जाएगा कितना 40 अंडर रूट 3 प्लस 1 हो जाएगा। आ देखो ये अंडर रूट 3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, आ रहे कि ये 40 ये हो जाएगा अंडर रूट 3 प्लस 1, आ ये हो जाएगा 3 माइनस 1 एक्स बराबर हो जाएगा 40 अंडर रूट 3 प्लस 1 बटा में 2 से कट करा दो 20 एक्स बराबर हो जाएगा 20 अंडर रूट 3 और प्लस का 1 हो जाएगा। यही आपका आंसर है, आई बात समझ में, कर लो।